आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की हुई है, अगर हम हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट बदल दें तो फिर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे हम एग्ज़ाम में पास और फेल का मेजरमेंट करते हैं 33% से। अगर किसी के 33% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो हम कहते हैं कि वो पास हो गया, और कम आते हैं तो फेल हो गया। तो पास और फेल होना एक रिलेटिव फिनोमिना है। अगर हम इस रिलेटिव पैरामीटर को 33 से घटाकर 20% कर दें तो आप देखेंगे ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसी पैरामीटर को 60% कर दें तो हम देखेंगे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि एक कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग के बाद में इन दोनों एलिमेंट में से जिसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। जैसे इसमें क्लोरीन की न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये जो बॉन्ड पेयर था वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पार्शियल चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो इलेक्ट्रॉन जाकर उससे अटैच हो जाता है। तो हम देखते हैं डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा सिर्फ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आइसोलेटेड की कैपेसिटी है, मतलब अकेले एटम की फ्री स्टेट में कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से अटैच कर लेता है, जोड़ लेता है, ठीक है ना। ये रिलेटिव फिनोमिना है, जबकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है कि जब इलेक्ट्रॉन अटैच होता है तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है वो एब्सोल्यूट होती। ये पीरियड में रेगुलरली वेरीज करती, ठीक है ना, लेकिन ये लगातार चेंज नहीं होती है। ये पीरियड में या ग्रुप में लगातार चेंज नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का या पेनिट्रेशन पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का और पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, जबकि हम इसको क्लोजूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर मोल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के दो मेजर मीटर हैं, और फर्स्ट मीटर का या स्केल का नाम है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल में हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। दोनों को निकाल लेते हैं और दोनों का सम निकाल लेते हैं, और फिर टू से डिवाइड करने पर हमको मिलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल पे। तो बच्चों, मुलिकन स्केल के लिए हम क्या करेंगे, तो मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए हमने क्या किया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालकर टू से डिवाइड कर दी। अब जब पाउलिंग, दूसरा स्केल है पाउलिंग स्केल, तो जब हम पाउलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जी पर बेस था, ठीक है ना, पाउलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जी पर बेस था, जब हम पाउलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालते थे
तो मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा 2.8 टाइम्स कम आती थी। तो अब मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 2 से 2.8 को मल्टीप्लाई किया तो 5.6 आ गया। तो 5.6 से डिवाइड करने पर मुलिकन और पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि मुलिकन और पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होता है। तो पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 2.8 टाइम्स कम होती है और मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्लोजूल पर मोल में निकालने के लिए 62.5 से हम डिवाइड कर देते। मुलिकन और पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अगर हमें पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो हम 0.395, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें से 0.615 को मल्टीप्लाई करके 0.395 से माइनस करके 0.395 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। अब हम देखते हैं थर्ड स्केल एलरोड रोसो ने दिया और ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें सिर्फ यही आ सकता है कि एलरोड रोसो स्केल किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तो आप देख सकते हैं ये जेड इफेक्टिव है, ये उसके इलेक्ट्रॉन चार्ज है और आर उसकी कोवलेंट रेडियस है, ठीक है ना। तो ऑलराइट रेसो के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, अगर आया तो सिर्फ इतना ही आ सकता है कि दोनों में ऑलराइट रेसो स्केल किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। और पाउलिंग और ऑलराइट रेसो में ये रिलेशन होता है, आप देख सकते हैं 0.359 जेड इफेक्टिव आर स्क्वायर प्लस 0.744। अगर हम इस रिलेशन को यूज कर लें तो हम पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इससे निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये रिलेटिव स्केल है, तो सारे स्केलों पे अलग अलग वैल्यू आती है, तो सारे स्केलों की वैल्यू को बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से निकालते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करो। तो हमने देखा और उसमें कुछ डेटा उसने हमको दिया हुआ है, उसने हमें HCl की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 431 किलोजूल पर मोल और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436 किलोजूल पर मोल और खाली ClCl की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 234। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, HCl की बॉन्ड एनर्जी जो हमने 431 यहाँ रख दी माइनस अंडर रूट में हमने क्या किया, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है ना। जब हमने इन दोनों वैल्यू को सॉल्व किया और 431 में से 0.8 में से 319.41 को माइनस किया तो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू 112.39 आ गई, ठीक है ना। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, ये एक जनरल फॉर्मूला है क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 0.088 और डेल्टा ई क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। तो हमने इस वैल्यू को जब देखा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.03 आ गई। अब हम देखते हैं किस किस फैक्टर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है और बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में हमेशा बढ़ता है, इसलिए किसी भी पीरियड में आगे लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, जबकि ग्रुप में नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। पर इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर एटॉमिक रेडियस होता है ग्रुप में।
एटॉमिक रेडियस में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। तो जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं और न्यूक्लियस वैलेंसी सेल से दूर होता जाता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। पर बच्चों, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और वो ग्रुप है जिंक फैमिली। जिंक फैमिली में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में ज़्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं ये +2 है, ये +4 है और ये +7 है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो Mn+7 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो इस A- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि A-3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। और आखिरी फैक्टर है S परसेंटेज, ठीक है ना। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन में s का करेक्टर 50% होता है और 50% p होता है। तो जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। sp3 में क्योंकि चार ऑर्बिटल हैं तो एक ऑर्बिटल का परसेंटेज 25% होगा, तो s का परसेंटेज 25। sp2 में क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं इसलिए एक ऑर्बिटल का परसेंटेज 33 होगा, तो एक s का परसेंटेज 33। जबकि sp में दो ऑर्बिटल हैं तो एक ऑर्बिटल का परसेंटेज 50%। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन की होगी, फिर sp2 की होगी और फिर sp3 होगी। तो आप बता सकते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। तो हम चलते हैं, अभी आपको बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। तो हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.29, डबल बॉन्ड की 2.84 और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.34 होती। अब इंपॉर्टेंट बात, हर एक कॉम्पिटिटिव के बच्चे को ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेट आनी ही चाहिए अगर वो सिलेक्शन करना चाहता है, ठीक है ना। आप देखोगे जितने भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्टली उन एटम्स में ये 5-6 एलिमेंट आपको ज़रूर दिखेगी। और बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे याद करते हैं? फोन। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए फोन लगाओ, फ्लोरिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मोस्टली क्वेश्चन इन तीन एलिमेंट से ही हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है। तो हम जानते हैं क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जबकि ग्रुप में नीचे जाने पर साइज हमेशा बढ़ता है और साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.84 और आयोडीन 2.6 होती, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है और आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना। और कुछ इम्पॉर्टेंट अभी ऊपर बताए थे मैंने आपको, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन क्लोरीन की अप्रॉक्स 3, कार्बन सल्फर की अप्रॉक्स 2.5 और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की 2.5। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है कि किन पेयर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बराबर होती है। तो ये पीरियोडिक टेबल के वो पेयर हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब बराबर है, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्लोरीन की 3-3 पर दोनों आ जाएं तो बच्चों आप हमेशा नाइट्रोजन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानकर क्वेश्चन करना, जिससे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन फॉस्फोरस में हाइड्रोजन को ज़्यादा मानकर करना, कार्बन सल्फर और आयोडीन के केस में कार्बन को ज़्यादा मानकर करना। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। हम अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड सी ट्रिपल बॉन्ड है, बी डबल बॉन्ड है और ए सिंगल बॉन्ड। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वर्ड विल बी द पॉजिटिव करेक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नेगेटिव करेक्टर बढ़ता है और पॉजिटिव करेक्टर कम होता है। तो जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज करेगा, जबकि ग्रुप में नीचे जाने पर पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। अब आए थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सही ऑर्डर कौन सा है। हम जानते हैं, हमने देखा चारों ही फ्लोरीन हैलोजन है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर सेकेंड सबसे सही है। अब आया कि कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सही ऑर्डर है। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया था ऊपर सबसे ज़्यादा फोन, हमने देखा फोन किसी में है ही नहीं, ठीक है ना, विच इज़ नॉट द करेक्ट ऑर्डर। तो हम देखेंगे ये तो सही ऑर्डर है ही। अब क्लोरीन की ज़्यादा होगी सल्फर से, सल्फर की आपको बताई थी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। तो इसमें सारे ही करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। और ये क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप इन सब की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को याद कर लें। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कुछ एप्लीकेशन। जो ऐसे नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, इसलिए सबसे ज़्यादा नॉन मेटल है। क्लोरीन की 3 है, तो क्लोरीन फ्लोरीन से थोड़ा कम नॉन मेटेलिक करेक्टर दिखाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस का क्या ऑर्डर है। जब बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस में ग्रोथ होती है, मतलब इंक्रीज करता है। तो H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आप जानते हैं 2.1 और फ्लोरीन की 4, तो आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस 1.9 है और HCl में 0.9 है। और जैसे जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू कम हो रही है, बॉन्ड एनर्जी भी कम हो रही है। तो HF की बॉन्ड एनर्जी करीब 200 के 400 के आसपास होती है, और जैसे जैसे हम जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने पर कम होती जाएगी। तो बस लास्ट अब हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस में क्या रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि किसमें बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, विच ऑफ फॉलोइंग है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। हाईएस्ट का मतलब ज़्यादा, तो जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमने देखा मेटल तो सब में सेम ही है, तो अब हैलोजन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हैलोजन में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीजियम आयोडाइड की होगी, इसलिए सीजियम आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ इन चारों ही सीजियम के कंपाउंड में मैक्सिमम होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, और वो है जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है ना, बॉन्ड के नेचर के बारे में भी हमको बताता है। जब ये डिफरेंस जीरो होगा तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे H2, Cl2, O2। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के आसपास है तो बॉन्ड में 60-40 का रेशियो होगा, मतलब वो 60% कोवलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आयोनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना,
तो हम निकालेंगे आयोनिक करेक्टर, और इस करेक्टर को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हैनी हेनरी स्मिथ फॉर्मूला बोलते हैं। तो 16 यहाँ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू और ए एक्स ए और एक्स बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ऐसे ही 3.6 एक कॉन्स्टेंट है और एक्स ए और एक्स बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, और पावर इसकी 2, ठीक है ना। तो ये हैनी स्मिथ या हेनरी स्मिथ फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी के आयोनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको दे रखी है और इसका आयोनिक करेक्टर पूछ रहा है। तो हमने 4 में से 2.9 को माइनस किया तो हमारे पास 1.9 आ गया। तो हमने यहाँ एक्स बी की जगह 1.9 रखा प्लस 3.6 और यहाँ पर भी 1.9 का स्क्वायर कर दिया, और इन सब को जब हमने कैलकुलेट करा तो हमने देखा एचएफ में आयोनिक परसेंटेज 43% आएगा। बच्चों एचसीएल का आयोनिक परसेंटेज 16.83 के आसपास होता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एचसीएल का आयोनिक परसेंटेज कितना होगा, 16.83। हम अगला यूज देख रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड का। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा। तो Na और O में मैक्सिमम डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। यह हम सिंपल देख सकते हैं, इधर से उधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बेसिक नेचर कम हो रहा है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही कंपाउंड ज़्यादा बेसिक हो। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर डिफरेंस 2.3 से ज़्यादा है तो बेसिक ऑक्साइड होगा, एग्जाम्पल Na2। अगर ये डिफरेंस 2.3 के आसपास है, मतलब तो 2.3 है तो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, और अगर डिफरेंस 2.3 से कम हुआ तो फिर ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। कैसे? सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और ऑक्सीजन की 3.5, तो दोनों का डिफरेंस 0.5, इसलिए एसिडिक हो जाएगा। सल्फर की 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5, डिफरेंस 1 आया, इसलिए इसका भी नेचर एसिडिक होगा। और फास्फोरस की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, तो इसका डिफरेंस 1.4 आया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लास्ट लाइन, सारे कॉम्पिटिटिव के बच्चों को और 12th 11th सारे बच्चों को ये पता होने चाहिए कि इन एलिमेंट के ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो मैंने आपके सामने 5 ऑक्साइड 6 ऑक्साइड लिखे हुए, जिंक, एलुमिनियम, बेरिलियम, लेड, MnO2 और Cr2O3। इन 6 के 6 ऑक्साइडों का नेचर हमेशा एम्फोटेरिक होगा। तो आप इसको रट लें, याद कर लें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होगा, जिससे आपको कोई वैल्यू नहीं देखनी पड़े और सीधे ही आप डिसाइड कर लें कि ये एम्फोटेरिक। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेक्स्ट यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेक्स्ट यूज है हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड में। हाइड्रोलिसिस हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि किस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस जल्दी होगी। तो बच्चों जो कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट होता है उसकी हाइड्रोलिसिस फास्ट होती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो जब हम वाटर से इसको ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। अब बोरॉन के ऊपर +3 चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर -1, -1, -1। तो वाटर का जो OH पार्ट है वो बोरॉन से जाकर अटैच हो जाएगा तो हमको मिलेगा बोरिक एसिड। हमको क्या मिलेगा? बोरिक एसिड। और दूसरी साइड से हमें 3HCl के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल NCl3। तो आप देखेंगे कुछ टीचर कहेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है,
ठीक है ना। हाँ ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा दी हुई है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज़्यादा है, पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ रिलेटिव फिनोमिना, तो वो हम सिर्फ वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिंगल बॉन्ड में एक बार को यूज कर सकते हैं पर हर जगह यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर नाइट्रोजन जब क्लोरीन के साथ में तीन बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो वाटर का जो एच प्लस था वो जाकर अमोनिया से जुड़ता है और जब अमोनिया से जुड़ ना सॉरी नाइट्रोजन से जुड़ता है तो हमें अमोनिया प्रोडक्ट मिलता है, जबकि दूसरी साइड से हमें हाइपोक्लोरस एसिड मिल जाता है। तो ये प्रूव है, एग्जाम्पल एंड प्रूव एन एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन करते समय ज़्यादा लेनी चाहिए। हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ क्वेश्चन और हमारे सामने है नेचर ऑफ ऑक्साइड पे क्वेश्चन। वो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि कौन बीकेस्ट बेसिक ऑक्साइड है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, पर हमने इसमें देखा कि सारे के सारे मेटल हैं। तो अब फर्स्ट ग्रुप वाले ज़्यादा मेटेलिक होते हैं सेकंड ग्रुप वाले से, और सेकंड ग्रुप वाले ज़्यादा मेटेलिक होते हैं डी ब्लॉक से, ठीक है ना। पर हमने देखा तो अब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो अब हमने क्या देखा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो +2 में या लोअर ऑक्सीडेशन में कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होते हैं हायर से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Fe2O3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन एम्फोट्रिक नेचर का है। एम्फोट्रिक नेचर के 6 कंपाउंड होते हैं और वो होते हैं जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, Cr2O3, MnO2। तो हमने देखा उसमें से हमें एक मिल गया Al2O3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर Al2O3। हम डिस्कस करेंगे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो 11th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है और ये है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, जबकि ये थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें कहता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है ना। सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो होगा जिसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। तो हमने देखा फोर्थ नंबर के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये एलिमेंट सबसे लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। जब मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होता है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सबसे कम हो, तो हमने देखा कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है और शायद मेरे हिसाब से यही कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी से नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से देखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी वो नॉन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब ये थर्ड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव होगा। अगर वो पूछता लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल तो इसका आंसर 48 होता, मतलब फोर्थ एलिमेंट, क्यों, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लास्ट टॉपिक की तरफ और लास्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में क्या रूल है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका नाम बाद में लिखते हैं और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है OF2 में हमने देखा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर नाम हो जाएगा ऑक्सीजन फ्लोराइड या डाई फ्लोराइड।
लेकिन अगर हम Cl2O को देखें, तो अगर हमने Cl2O को देखा तो Cl2O का नाम डाइक्लोरो ऑक्साइड हुआ। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होती है, और इसका एक्सेप्शन अमोनिया है। अमोनिया में हाइड्रोजन बाद में है और इसका IUPAC नेम एजेन होता है। तो हम देख लेते हैं फिर कुछ क्वेश्चन। एलिमेंट विच विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में होती है, और फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे कम किसकी होगी? सबसे नीचे। तो हमें सबसे नीचे एलिमेंट मिल गया और वो है सीजियम। तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। एलिमेंट विच ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक नंबर है लीस्ट लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना? तो अभी अभी हमने फिर से पढ़ा है कि लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की होती है। तो हमने देखा 3766, ये एक लेंथेनाइड होगा, 106 वाला डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है ना? 37 किसका होगा? 37 होता है पोटेशियम, पोटेशियम का नहीं, ये होगा रूबिडियम का, और ये किसका है? सीजियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? तो सीजियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी एस ब्लॉक में या इस क्वेश्चन में। हम चलते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो अगर बच्चों मैंने आपको वहां बताया था सबसे ज्यादा फोन होता है, फोन, तो देखें कहां फोन हो रहा है, ठीक है ना? तो ये ऑर्डर पुराने ऑर्डर के हिसाब से बना हुआ है, तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं और इसका ऑर्डर, ठीक है ना? अब अगर यही क्वेश्चन है ऐसा मान लो, तो हम NCERT के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर देंगे, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, FON फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर ये चॉइस नहीं है तो फिर इसका ऑर्डर होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। ये पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, ठीक है ना? क्लोरोफिल में मेटल होती है मैग्नीशियम, और फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लेवोशियर, और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। मेटल यूज्ड इन फ्लैश बल्ब मैग्नीशियम यूज करते हैं। हाइड्रोजन इज ए लाइटेस्ट एंड लिटमस लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं हीलियम, ये लिथियम होगा। हीलियम हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी। टंगस्टन हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3440 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आयरन के बाद में। हम देख सकते हैं टिन के मैक्सिमम एलोट्रॉप्स होते हैं 10, और पी ब्लॉक एलिमेंट में 3 लिक्विड है, 2 लिक्विड है ब्रोमीन और गैलियम। ट्रांजिशन एलिमेंट में एक मरकरी है जो लिक्विड है, जबकि एस ब्लॉक में सीजियम और फ्रेंशियम भी लिक्विड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ AU इज मैक्सिमम अमंग मेटल। मेटल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोल्ड की होती है। फ्रेंशियम फ्रेंशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड सिर्फ पी ब्लॉक में मिलते हैं, और कॉपर Ag और Ae को हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। 79% एलिमेंट मेटल्स हैं और बाकी नॉन मेटल। जो वंडरवॉल रेडियाई होती है वो नॉर्मल रेडियाई से 40% या कोवलेंट से 40% ज्यादा होती है। ऑक्सीजन इज ए मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन नेचर फॉलोड बाय सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन। आयोडीन इज सॉलिड वॉलेटाइल नॉन मेटल। हाइड्रोजन मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। देयर इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट, नो एलिमेंट स्टार्टिंग विद J और Q। J और Q सबसे कोई किसी भी एलिमेंट का नाम स्टार्ट नहीं होता। 6 पीरियड सबसे बड़ा पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट है, और 92 एटॉमिक नंबर के बाद के सारे एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट 92 से पहले वाले हैं, वो है टेक्नीशियम और PM। ऑल सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं, और अकॉर्डिंग टू केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 16 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिपिकल एलिमेंट 7 है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को कहते हैं। टोटल 83 मेटल, 17 नॉन मेटल और 6 मेटलॉइड हैं। लेड के बाद, लेड 82 के बाद में सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर होते हैं। टोटल गैसेस 11 होती हैं, और नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्रेंसियम होता है।
हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम होता है, लिक्विड मेटल चार हैं, मरकरी, गैलियम, सीजियम और फ्रेंशियम, जबकि एक नॉन मेटल लिक्विड होता है। ब्रोमीन एकमात्र नॉन लिक्विड है जो नॉन मेटल है। फ्लोरीन को हम ब्लैक शिप एलिमेंट कहते हैं और डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और आर्टिफिशियल हार्डेस्ट में आजकल बोरॉन नॉर्वाइट का नाम आता है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 4100 सारे मेटल्स में और सारे एलिमेंट में। फ्रेंशियम हैज द हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम इन पीरियोडिक टेबल और मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन गैस।